तो गाइस आज के वीडियो में आप लोगों को मैं फोटो शार्पनर पर फोटो एडिटिंग के बारे में जानकारी देने वाला हूं, साथ ही साथ आप लोगों को फोटो शार्पनर पर किस तरीके से डिजाइनिंग या फोटो को किस तरीके से बनाया जाता है इससे रिलेटेड इस वीडियो में जानकारी देंगे और बहुत सारे आप लोगों को टिप्स दूंगा एंड ट्रिक दूंगा जिससे आप न्यू बिगनर हैं जिन लोग फोटो शार्पनर चलाना भी नहीं जानते उन लोग भी इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। तो चलिए लेटेस्ट आप वीडियो को वेलकम बैक इस टैक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए लेटेस्ट आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जिन लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे उन लोगों से दिल से धन्यवाद और जिन लोग नहीं किए होंगे उन लोग अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटे को भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो इस चैनल पर टैक्स रिलेटेड अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड किया जाता है। तो चलिए लेटेस्ट आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहें वीडियो पर और वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे इसी तरीके की वीडियो आप लोग को मिल सके। तो चलिए मैं आप लोगों को फोटो शार्पनर पर चलिए एडिटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से फोटो एडिटिंग किया जाता है और कैसा आप लोग फोटो को बना सकते हैं। तो चलिए लेटेस्ट आप वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस चैनल पर नया होता है सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटे को भी दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को जब आप फोटो शार्पनर को जब ओपन करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस स्क्रीन दिखाई देगा। चलिए इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें यहाँ पर टास्क बार बहुत सारे मैनुअल दिया गए हैं, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं और ये सभी सेक्शन हैं। यहाँ फाइल दिया गया है, एडिटिंग दिया गया है, इमेज दिया गया है, लेयर दिया गया है, ये सभी इस फोल्डर का जो भी सिस्टम है और यहाँ पर बहुत सारे और भी दिया गया है, लेयर दिया गया है जिससे आप जितने भी फोटो में एडिटिंग करेंगे जितना भी लेयर बनेगा वह यहाँ पर शो करेगा, दिखाई देगा। तो यहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिए आप लोग को कुछ फ़ोटो लेते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग चलिए हम लोग कुछ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहें वीडियो पर। कंट्रोल ओ बटन दबाते हैं, कंट्रोल प्लस ओ बटन दबाने से इंटरफेस स्क्रीन दिखाई देने लगता है। तो चलिए यहाँ से मैं कुछ पिक्चर्स फोटो ले लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ, बने रहें वीडियो पर और वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब करें गाइस। चलिए सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग जाते हैं अपने अंदर फाइल के फोल्डर के अंदर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत सारे फ़ोटो डिजाइन किए हैं, चलिए ओपन करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस फाइल को मैंने बनाया था, यहाँ पर देख सकते हैं और ये इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए जाते हैं जिससे आप बहुत सारे डिजाइनिंग कर सकते हैं, बहुत सारे एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस इस तरीके से इसको डिजाइनिंग किया जाता है, इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को कुछ कलर चेंज करके दिखाता हूँ जिससे आप लोग को समझ आएगा किस तरीके से एडिटिंग किया जाता है, कैसा बनाया जाता है फ़ोटो को। तो चलिए लेटेस्ट वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को मैं फाइल पर कुछ फोल्डर से लेकर दिखाता हूँ। यहाँ पर न्यू दिया गया, यहाँ से आप लोग अपना जो फोल्डर यहाँ पर साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट करके ले सकते हैं जिससे इस तरीके का पेज दिखाई देगा जिस पर आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस तरीके से एक पेपर ले सकते हैं, पेज ले सकते हैं और इसको रखते हैं साइड में। तो चलिए कुछ फ़ोटो लेते हैं और आप लोग को एडिटिंग करके दिखाते हैं। तो कंट्रोल प्लस ओ बटन दबाने से आप लोग को ये फोल्डर यहाँ पर खुल जाता है। चलिए यहाँ से कुछ फोल्डर ले लेते हैं। चलिए कुछ मैं यहाँ पर वेडिंग का कुछ फ़ोटो ले लेता हूँ। तो चलिए आप लोग को एडिटिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इस फोल्डर को हम लोग ले लिए, इसको इस फोल्डर में हम लोग को कुछ डिजाइनिंग करना है तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। इस पेज पर कुछ रंगीन दिखाना चाहते थे, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। चलिए इस टूल से में जाते हैं और यहाँ से इस तरीके से टूल से में जाने के बाद यहाँ से आप लोग बहुत सारे इसमें फीचर दिए गए हैं, दिखिएगा। मैं इससे कलर को चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस तरीके से दिखाई देगा। तो इस तरीके से कलर चेंज हो जाता है, इसमें और बहुत सारे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से चेंज कर सकते हैं और भी दिखाता हूँ इसमें बहुत सारे फीचर्स। यहाँ से इस तरीके से पेज ले लिए। चलिए इसमें आप लोग को डिजाइनिंग करके दिखाते हैं, चलिए बने रहे वीडियो पर। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं पहले तो। तो चलिए आप लोग को इस एडिटिंग करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग इस पेज पर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इस पेज पर आप लोग को इसका जो ये है यहाँ से हम लोग लेयर का जो लॉक लगा है उसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्लोज हो जाता है और यहाँ से हम लोग इस बैनर को इस फोटो को इसमें लाकर ब्लर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। इसमें इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुका है और इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस पेज को एडजस्ट करते हैं। पहले तो इसको एडजस्ट करने के बाद ही हम लोग इसको चलिए एडजस्ट कर लेते हैं पहले तो इसको बढ़िया से।
इस तरीके से एडजस्ट हो गया। अब हम लोग इसको एडजस्ट करने के बाद इसका जो फेदर है इस तरीके से है, इस फेदर को हम लोग ब्लर करने वाले हैं। तो ब्लर कर देते हैं, यहाँ से ब्लर हो जाता है, तो थोड़ा सा ब्लर करेंगे। सेटिंग आप देखते रहें जिस तरीके से मैं ब्लर कर रहा हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से अपने जो कंप्यूटर पर प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए ओके कर देते हैं, इस तरीके से ब्लर हो चुका है। अब चलिए हम लोग कुछ इसी फ़ोटो को इसमें डिजाइनिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो हम लोग यहाँ से हम लोग गोल ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग गोल डिजाइनिंग करते हैं। और सबसे पहले तो गोल डिजाइनिंग करने के लिए इस तरीके से हम लोग इसको डिजाइनिंग कर लेते हैं। और डिजाइनिंग करने के बाद आप लोग को दिखाता हूँ कि इस तरीके से दिखाई देता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर ले जाते हैं, तो इस तरीके से डिजाइनिंग दिखाई देता है। चलिए इसको मैं यहाँ साइड में ले आता हूँ और इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे जिससे ये थोड़ा अच्छा डिजाइनिंग दिखेगा और अच्छा सा लुक आएगा, जिससे आप लोगों को समझ आए कि इस तरीके से फ़ोटो एडिटिंग किया जाता है। तो इस तरीके से है, और चलिए इसको ओके कर देते हैं। यहाँ से हम लोग इसका जो स्ट्रोक ले लेते हैं, यहाँ पर स्ट्रोक को हम लोग 20 पर रख के, 20 में नहीं, इसको कंट्रोल आल्ट बटन जेड दबाकर इसको चेंज करके इसका जो कलर है उसको थोड़ा सा कम करेंगे। फेदर को 5 कर देते हैं और इसका कलर को कर देते हैं ब्लैक। ब्लैक करने के बाद ओके करके कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इसी पर आप लोग को और कुछ वर्क करना है तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल ओ बटन दबाकर कुछ फ्रेम ले आते हैं। यहाँ पर फ्रेम, इस फ्रेम को ले लेते हैं, इस फ्रेम को नहीं, पहले चलिए तो एक फूल ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। और इसमें हम लोग इसको जो इस तरीके से हो चुका है, अब चलिए इसको हम लोग इसको लेकर वहाँ पर चलते हैं इस पेज पर, और पेज पर लेकर इसको दिखाते हैं। आप इस तरीके से आप ले सकते हैं और इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, यहाँ से छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट करके एक अच्छा सा लुक डिजाइनिंग इफेक्ट डाल सकते हैं। और इस तरीके से करने के बाद ये अच्छा सा दिखाई देने लगेगा। और चलिए कुछ पेज फोटो ले लेते हैं यहाँ से, कुछ डिजाइनिंग फ़ोटो, तो यहाँ से हम लोग इसको ले लेते हैं। चलिए ओके करते हैं, तो यहाँ पर आ चुका है। चलिए इसको भी इसी तरीके से इसी प्रोसेस के साथ इसको भी चेंज कर लेते हैं। और तो इस तरीके से दिखाई देता है। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग कट अप करने वाले हैं जिससे अच्छा दिखाई देने लगे। थोड़ा थोड़ा इसको इस तरीके से कटिंग करते हैं जिससे इसका जो डिजाइनिंग है थोड़ा सा कट जाएगा। इसमें हम लोग फोटो एड करने वाले हैं इसके बाद, तो चलिए आप लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो इस तरीके से पकड़ कर इसमें ला कर छोड़ दीजिएगा तो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। छोटा करने वाले हैं इस डिजाइनिंग को, यहाँ पर ला कर छोड़ देंगे, छोटा करने वाले। तो इस तरीके से आप छोटा कर लीजिएगा, इसको एडजस्ट करने के बाद इस तरीके से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद इस पर आप फोटो ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर फोटो डालना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं आप लोग को लेता हूँ, यहाँ से इस फोटो को लेने के बाद हम लोग इस फोटो को गोल कटिंग पर काटने वाले हैं, गोल डिजाइन पर काटेंगे। पहले तो उसके लिए इसका कलर को चेंज करते हैं, तो कंट्रोल एम बटन दबाकर इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। और यहाँ से इस तरीके से ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, ओके कर देते हैं यहाँ से। अब कंट्रोल यू बटन दबाते हैं तो यहाँ से हम लोग इसका कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हल्का से थोड़ा थोड़ा इसको चेंज करने के बाद ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से ओके हो गए। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ से टूल से जाते हैं, टूल में जाने के बाद यहाँ से हम लोग इसका जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इसको ले लेते हैं। अब चलिए
तो इस तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब इसमें स्ट्रोक भी डाल देते हैं, तो स्ट्रोक इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। अब इसमें करते हैं स्ट्रोक को ब्लैक कलर से, तो इस तरीके से। और यहाँ पर डिजाइनिंग डालते हैं, तो सबसे पहले तो डिजाइनिंग के लिए यहाँ से इस तरीके से डिजाइनिंग को, इस दिल डिजाइनिंग को हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर फ्रेम बनाए हैं, इसी फ्रेम पर इसको ऐड कर देंगे। चलिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट करते हैं पहले, और ओके। अब यहाँ से हम लोग तो यहाँ से ओके कर देते हैं, तो इस तरीके से ये फोटो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ इसको बड़ा करके, तो इस तरीके से दिखाई देता है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बेहतर डिजाइनिंग किया गया है। आपको मैं नज़दीक से जूम करके दिखाता हूँ। अब इसको चलिए सेव करते हैं। सेव करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से जाते हैं सेवेस में। अब सेवेस में जाने के बाद यहाँ पर कौन सा फोल्डर पर आप इसको सेव करना चाहते हैं, फ़ोटो पर, और यहाँ पर अपना जो फाइल का नेम लिख दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर RR कर देता हूँ, RRR। तो यहाँ से मैं RR ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले तो हिंदी में है, उसको इंग्लिश कर देते हैं, तो RRR। तो यहाँ पर RR आ गया, और फोल्डर पर आपको PNG पर सेव करना है। PNG पर ही सेव होता है, तो चलिए आप लोग को यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से सेव हो गई। चलिए फोल्डर पर आप लोग को जाकर बताता हूँ कहाँ पर सेव हुआ है ये। तो फ़ोटो पर जाते हैं, फ़ोटो पर जाने के बाद यहाँ से आप PNG फोल्डर पर दिखाता हूँ कहाँ पर सेव। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से सेव हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी को आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, जैसे कि RRR। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको भी बनाया था और इसको भी बनाया था, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने बड़ा करके छोटा करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में कुछ पसंद आएगा, लाइक करके सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, और इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और बेल घंटे को भी दबा लेंगे, जिससे आप लोग फोटोशॉपनर पर कुछ एडिटिंग सीख सकें। और बहुत ही जल्द आप लोग को इस चैनल पर आप लोग को कंप्यूटर सीखने को मिलेगा, और भी अच्छे अच्छे एडिटिंग आप लोग को करके दिखाने वाला हूँ इस, जिससे आप लोग एक नेक्स्ट लेवल के लिए वीडियो मिलने वाला है। और फोटोशॉपनर से फुल ट्यूटोरियल वीडियो बहुत ही और जल्द और भी आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में एंड करते हैं, धन्यवाद।